हे गाइस, तो आए हैं हम आज न्यू व्लॉग के साथ। आज मुझे जाना जजमेंट के लिए, जिसमें मेरा आउटफिट ये रहेगा। एंड मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया क्योंकि मुझे टाइम से पहुंचना था। मम्मा ने बनाई थी पनीर की सब्जी। उसके बाद जैसे हम वहाँ पहुंचे तो सबसे पहले हुई सरस्वती माता की पूजा। हमने आरती करी वन बाय वन, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है सरस्वती माता की पूजा करना किसी भी इवेंट से पहले। ये कंपटीशन था ब्लॉक लेवल का कल्चरल फेस्ट। वन बाय वन परफॉर्मेंस आती थी। ये फर्स्ट परफॉर्मेंस थी बच्चों की ग्रुप डांस, और इसमें सारे परफॉर्मेंस लाइव थी। वन बाय वन जैसे परफॉर्मेंस आती रही, बहुत से ब्लॉक्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टफ हो गया था विनर्स को निकालना, क्योंकि बच्चे हैं, मन दुखता ही है कि हाँ परफॉर्मेंस किया, मेहनत करी और हम कुछ आए नहीं। बट हाँ ठीक है, विनर तो एक ही होता है। तो ऐसी बारी बारी परफॉर्मेंस आती रही। और ये नहीं, ये रागनी की स्टूडेंट है जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था, इसके जजेस कोई और थे। और ये है विवेक सर जो जजमेंट के लिए थे मेरे साथ। ऐसे ही बैक टू बैक परफॉर्मेंस आती रही, और बहुत प्यारी प्यारी कॉस्ट्यूम्स थी। फिर से एक बार और मैं, विवेक ने इतना जूम कर दिया सीरियसली। ये हमारी फाइल जिसमें हमने रिजल्ट तैयार करना था बच्चों का, और ये परफॉर्मेंस इतनी प्यारी लगी क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर गर्ल्स थी, क्यूट क्यूट, इनके फेस कलर देखो, माय गॉड रियली नाइस। ऐसे ही सर के एंट्री, सर ने नारेबाजी की और बच्चों में जोश जगाया। और ये क्यूट सी बच्ची वेट करती है कि मेरी बारी कब आएगी। और ऐसे ही सोलो परफॉर्मेंस, और मेरा ध्यान सैंडविच पर। इनकी परफॉर्मेंस कसम से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और यही ग्रुप विनर रहा था इस फेस्टिवल में। और ये सुनील सर जो कि है द बेस्ट सर, लोकल लेवल कल्चरल फेस्ट। इस बच्चे ने बहुत ही प्यारी रागनी गाई थी, जिसको सुन के कसम से मेरा मन किया कि मैं ये वीडियो जरूर मैं शेयर करूँगी अपने यूट्यूब पर। और ये छोटी सी गुड़िया ने सोलो परफॉर्मेंस दी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये हमारे होस्ट जिन्होंने एंकरिंग की, और ऐसे सभी बच्चों में जोश आया, सभी बच्चों ने लास्ट में बहुत अच्छा डांस किया, एंजॉय किया, क्योंकि ये थी गेस्ट परफॉर्मेंस लास्ट की। शाम के बज चुके थे 5, सभी परेशान हो चुके थे, थक चुके थे। ये विवेक सर मस्ती में, सुनील सर को ही टेंशन की कब ख़त्म होगा फंक्शन, भाई मैं घर को जाऊँ। और ये हमारी एंकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, इन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को जागरण का एक माता जी का एक गाना सिखाया जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, आप सुन सकते हो। सॉफ्टली सॉन्ग आपने सुना होगा। पूरे जोश के साथ बच्चे, हमारी एंकर बहुत ज़्यादा अच्छी थी यार, सच में पूरा माहौल बना रखा था मैम ने। इसके बाद एक बच्चे की परफॉर्मेंस, पता नहीं इस सॉन्ग पे कॉपीराइट लगेगा या नहीं, पर मैं अपलोड करके देखूंगी यूट्यूब पे। लगना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत माड़ी होती है जब कॉपीराइट आता है यूट्यूब पे, सीरियसली। इसलिए मैंने ज़्यादा साउंड नहीं चलाया, ये 10 सेकंड का ही मैंने चलाया ताकि कॉपीराइट ना आए। ये स्लो मोशन में हमारी मैम एंड अनाउंसमेंट ऑफ प्राइस, हमें बुलाया गया स्टेज पर, मुझे और विवेक सर को, और अब हम जाएंगे स्टेज पर फॉर द रिजल्ट। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, दिल थाम के बैठ चुके हैं बच्चे सभी,
कुछ बच्चों को तो मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया होगा कि हाँ मैम ने हमारा प्राइज़ नहीं निकाला ये वो, बट ऐसा नहीं होता। जो बेस्ट है, जो डिज़र्व करता है, हमने वही रिजल्ट्स तैयार किए, क्योंकि हम भी एक डांसर हैं, हम समझ सकते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक आर्टिस्ट के लिए जब वो मेहनत करता है, स्टेज पर आता है, परफॉर्म करता है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अगर गवर्नमेंट सीनियर या गर्ल सीनियर में थोड़ी ना ऊपर नीचे हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, सिर्फ उस ब्लॉक का और उस स्कूल का नाम याद रखना। तो सेकंड प्राइज पे है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटली। और जो अनाउंसमेंट बच्चों की खुशी आप सुन सकते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिकंदरपुर। ये देखो सर, जो भी क्रॉस किए उन्हीं की टीम फर्स्ट आई है, आई थिंक कॉन्सोलेशन है या फर्स्ट है, आप इसमें सुन लेना रिकॉर्डिंग में। खुशी का माहौल, बच्चे टेंशन में भी हैं, कुछ बच्चे बहुत खुश हैं जिनका प्राइज आ रहा है, और जिनका नहीं आ रहा वो मुझे घूर रहे हैं आगे बैठ के। और ऐसे ही वन बाय वन बच्चे आते गए। उसके बाद थर्ड प्राइज सीनियर ग्रुप का, ये बच्चे साथ के साथ अगर हैं तो स्टेज पर आते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दड़बी। अगर सीनियर का है, ये हमारे फोटोग्राफर हैं प्रिंस, सोलो डांस सेकंड प्राइज है, स्टूडियो के नाम से है इनका, प्रिंस स्टूडियो अपने सिरसा में। अगर किसी को भी कोई भी फंक्शन में, इवेंट में, कंपटीशन में, बर्थडे पार्टी में अगर किसी ने भी फोटोग्राफर किसी को भी नीड है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रिंस स्टूडियो से। ये देखो बच्चों की खुशी आप देख सकते हो इस वीडियो में, कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं बच्चे। वो बच्ची सोलो परफॉर्मेंस में फर्स्ट आई है जिसने अभी सर को हग किया था, बहुत खुश हुए थे बच्चे। देख के अच्छा लगता है जब बच्चे मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, स्टेज पे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और जब उन्हें उनका अच्छा एक फल मिलता है उनके हार्ड वर्क का, तो बच्चे ऑब्वियस है कि खुश होंगे ही होंगे। और ऐसे ही अनाउंसमेंट होती रही, डिस्कस कर रहे हैं, सभी को सम्मानित भी किया था जितने भी जजेस आए थे। और ऐसे ही फोटोशूट होता रहा, बच्चे आते रहे, फोटो करवाते रहे। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, आप देख सकते हो मेरे फेस पे स्माइल धीरे धीरे गायब हो रही है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि यार क्या चल रहा है, कब ख़त्म होगा, कब घर जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे फीवर था, बहुत ज़्यादा फीवर था, और मैं बहुत मुश्किल से खड़ी थी इस टाइम। पर बच्चों के लिए तो बनता था यार, इन्होंने इतने दिनों की मेहनत की है, बच्चों ने मेरे साथ फोटोज ली, अच्छा लगा मुझे, अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ का स्टाफ जो मैनेज कर रहा था पूरे फंक्शन को, बहुत जो हमारे दोनों जजेस हैं अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, ठीक है। डांस टीचर हैं विवेक सैनी, ये भी डांस टीचर हैं, और हरियाणवी में जो ट्विंकल है हरियाणवी में, वैसे तो दोनों ही हैं, क्योंकि वेस्टर्न और हरियाणवी, फोक, वेस्टर्न, पंजाबी, इन सब के लिए इन्होंने बड़ा ही एक यूथ फेस्टिवल और नेशनल स्टेट और इस टाइम पे सुनील सर ने हमारे की तारीफ, जो कि आप सुन सकते हो, हम जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएंगे। इनकी अकेडमी भी है डांस फॉर एवर, जिन्होंने अभी मेरे हिसाब से यूट्यूब पे मुझे बहुत खुशी हो रही थी इस टाइम पे, यू नो कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको सभी के सामने सम्मानित किया जाता है तो वैसा यार पैसा वसूल वाली बात हो जाती है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चामल। बस अभी ये लास्ट था जिसमें बच्चों ने हमें अच्छा फील करवाने के लिए, सम्मानित करने के लिए सभी ने एक ग्रुप फोटो ली थी, और ये जो सर हैं ये हमारे नोनी हैं, और इसी के साथ ये व्लॉग भी हमारा खत्म होने जा रहा है। देख सकते हो मैं खास रही हूँ वहाँ पे खड़ी होके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस टाइम पे, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बट स्टिल
मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया कि जल्दी से सारा कुछ निपट जाए, मैं घर जाऊँ रेस्ट करूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे स्कूल भी जाना था। और अभी मेरे भाई की एंगेजमेंट हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी उस टाइम पे। और लास्ट में सर ने हमें सम्मानित भी किया था, जिसमें एक प्यारी सी मुझे डायरी मिली थी और एक सर्टिफिकेट, जिसकी फोटो ये है। थैंक यू, बाय।